दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर बात करने वाले हैं यूपी टेट एग्ज़ाम 2022। दोस्त यूपी टेट के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को मैं आपके सामने साझा करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यूपी टेट से संबंधित पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, देखिए लिखा गया है 29/3/2022 की बड़ी अपडेट, मींस अगर देखा जाए तो आज की जो यह अपडेट निकल कर आई है, मैं अपडेट को आपके सामने रखा हूं, यह 29/3 की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। नीचे लिखा जा रहा है कि लो आ गया यूपी टेट रिजल्ट घोषित करने की डेट। देखिए आप लगातार मुझसे यहां पूछ रहे हैं कि सर यूपी टेट का एग्जाम हुए इतना दिन हो गया और हमारे रिजल्ट का अभी कुछ पता नहीं है। देखिए हमने आपको बताया हुआ है भैया कि आपका रिजल्ट जो है जब भी आएगा इस महीने के अंत तक, मींस मार्च के अंत तक आएगा। आप कहेंगे अंत तो हो ही रहा है, ठीक है, फिलहाल के लिए मेरा कहने का सेंस यह है कि आपका रिजल्ट जो है 31 मार्च तक घोषित होने की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन इस अपडेट के अनुसार यह अपडेट क्या कह रही है, इन सभी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जाहिर सी बात है कि जो लोग यूपी टेट का एग्जाम दिए हैं उनको जो है नई शिक्षक भर्ती का इंतजार है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका मेन मुद्दा यही बचता है कि अब नई शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी जारी हो, ठीक है। तो इसके बारे में भी इस चिट में अपडेट कही गई है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और नीचे लिखा गया है आप लगातार पूछ रहे हैं सर कॉमन नंबर का मामला, ठीक है। हमने आपको भैया शुरू से ही, जब से मैं यूपी टेट के ऊपर अपडेट दे रहा हूं, तो लगभग मैंने इस कॉमन नंबर के मसले पर हमेशा आपको बताने का प्रयास किया है। फिलहाल के लिए अभी मैं लास्ट में इस बात पर चर्चा करूंगा कि कॉमन नंबर आपको कितना मिलेगा। और नीचे लिखा गया है 100% सत्य एवं प्रमाणित। देखिए अगर हम बात करें आर्यन इंस्टीट्यूट की, ठीक है, अगर हम आर्यन इंस्टीट्यूट चैनल की बात करें तो इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती है वह अपने आप में 100% सत्य होती है, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है। एक चीज आप जानते हैं कि यहां पर किसी तरह की अफवाहें भरी खबर नहीं दी जाती आपको, ठीक है। बाकी चीजें आप स्वयं समझदार हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा आप किसी भी कंफ्यूजन के लिए एक बार कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में उन सभी का रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपडेट दिखाने का प्रयास करता हूं, बाकी चीजों पर मैं आगे चर्चा करूंगा। देखिए यहां अपडेट आपके सामने लगा है, आप बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। लिखा गया है सरकार का गठन, अब यूपी टीटी परिणाम पर निगाहें, ठीक है। आप जानते हैं कि यूपी टेट के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सवाल एक चीज का आ रहा था, पहले यह मामला चल रहा था कि जब नई सरकार बनती है उसके बाद यूपी टेट का परिणाम आपका घोषित किया जाएगा, ठीक है। 25 तारीख को सरकार भी बन गई और आज 29 तारीख हो गया और रिजल्ट का कहीं कुछ पता नहीं है, ठीक है। इस अपडेट में क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए सबसे ऊपर लिखा गया है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी का परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के कारण तय तिथि से एक माह लटक गया। शासन की अनुमति न मिलने से परिणाम घोषित नहीं किया जा सका है। अब सरकार गठित हो जाने के बाद 21,65,179 परीक्षार्थियों का ध्यान शासन की ओर है। परीक्षा कार्यक्रम जारी किए जाते समय 23 जनवरी की को परीक्षा कराने और 25 फरवरी को परिणाम घोषित करने की तिथि निर्धारित की गई थी। जब परीक्षा कार्यक्रम किया गया था तब विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। आचार संहिता लागू हो जाने के बावजूद तय तिथि 23 जनवरी को परीक्षा कराई गई। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि पात्रता परीक्षा होने के कारण परिणाम जारी किए जाने में अड़चन नहीं आएगी। मूल्यांकन कार्य कराए जाने के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव को शासन को प्रस्ताव भेजकर परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक 25 फरवरी को परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी। इस पर शासन ने विशेषज्ञ समिति से परामर्श लेने के बाद परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। अब प्रदेश में नई सरकार गठित हो गई, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शपथ ले चुके मंत्रियों के विभाग का बंटवारा होने के बाद परिणाम जारी किया जा सकेगा। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परिणाम घोषित करने के संबंध में अभी शासन से कोई निर्देश नहीं मिले हैं, शासन से अनुमति मिलते ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और नीचे यहां आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि निर्धारित तिथि के एक माह बाद भी नहीं घोषित किया जा सका। और नीचे लिखा जा रहा है यहां पर 25 फरवरी को घोषित होना था, परिणाम शासन ने नहीं दी अनुमति।
श्रीमती, मीन्स आपने सब कुछ देखा। अब एक चीज यहां लिखा गया है जो मंत्रियों का कारभार, इसमें कहा गया है देखिए अगर हम बात करें जो मंत्रियों का कारभार है वह कल सबका बंटवारा हो गया है, कौन मंत्री क्या किस पद के लिए दावेदार है, ठीक है सब कुछ का बंटवारा हो गया है, लेकिन अभी हमारे रिजल्ट का बंटवारा नहीं हुआ कि हमारा रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। लेकिन एक चीज बहुत सारे लोगों के द्वारा यह मतलब विश्वस्त सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट जो है इस महीने के 31 तारीख के यानी कि लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, यह प्रबल संभावना जताई जा रही है, ठीक है। और एक चीज नई शिक्षक भर्ती के बारे में आप पूछ रहे थे, देखिए नई शिक्षक भर्ती भैया हमने आपको हमेशा से कहा है कि जो है जुलाई अगस्त तक आने की प्रबल संभावना है, फिलहाल के लिए इस पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति इसलिए है क्योंकि जब नई जो है आप एक चीज जानते हैं कि जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस कैबिनेट में नई शिक्षक भर्ती का कोई मामला कहीं नहीं उठा था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि जुलाई जून जुलाई तक भर्ती आ सकती है कि नहीं आ सकती है, अब यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए उम्मीद यही की जा रही है कि जुलाई अगस्त तक भर्ती आएगी, ठीक है। और नीचे लिखा गया है कॉमन नंबर का मामला, देखिए हमने आपको हमेशा से कहा है विभिन्न लोगों की तरह विभिन्न बातें आ रही होंगी आपके सामने कि आपको 6 से 7 नंबर मिलेगा, लेकिन हमने आपको हमेशा कहा है कि 6 से 7 नंबर आपको कदापि नहीं मिलेगा, जब भी आपको मिलेगा 3 से 4 नंबर मिलेगा, 4 नंबर से ज्यादा आपको कदापि कॉमन नंबर के तौर पर नहीं मिलेगा, ठीक है। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।